तो भाई लोग, टिकटॉक की बेटी है, हमें मिलने गए हैं सीज़न 14 के कुछ अमेजिंग से लीक्स, सीज़न 14 रॉयल पास के। और तो देखते इस वीडियो में, काफ़ी अमेजिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना यार, आजकल लाइक और व्यूज़ नहीं आ रहे, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। वीडियोस मैं अच्छे अच्छे लाता हूँ, पता नहीं यार फिर भी सपोर्ट क्यों नहीं आ रहा, तो सपोर्ट दिखाओ अपने भाई को, चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो सबसे पहले लीक है भाई लोगों का ही होता है, तो लोगों को सीज़न 14 का कुछ ऐसा है रॉयल पास का, थोड़ा फ्लेम टाइप पे है, ये है आग बबूला, ठीक है, काफ़ी सही लोगों लग रहा है अभी तक। तो बाकी और लीक दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो ये होने वाले हमारे टीयर रिवॉर्ड, जिसमें तुम्हें M24 की स्किन दिख रही होगी जो कि डायमंड टीयर पर मिल जाएगी, और एज का पैराशूट दिख रहा होगा, काफ़ी यूनिक है, हमेशा सेम ही होता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, बस सीज़न 13 का यूनिक था और सीज़न 14 का तो और भी ज़्यादा यूनिक है भाई, तो काफ़ी सही है पैराशूट लग रहा है। और इसके साथ हमें एक देखने को मिल रहा होगा आउटफिट, जो कि हमें गोल्ड टीयर पर मिल जाएगा, ठीक है। तो सीज़न रिवॉर्ड लीक्स आ चुके हैं, मैंने तुम लोगों को तीनों के तीनों दिखा दिए, सीज़न कह रहा हूँ टीयर रिवॉर्ड, सॉरी गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ, तो टीयर रिवॉर्ड मैंने तुम लोगों को तीनों दिखा दिए, काफ़ी सही है टीयर रिवॉर्ड। तो एक बार मैं तुम लोगों को टीयर रिवॉर्ड थोड़े प्रोजेक्ट में दिखा देता हूँ। M24 की स्किन देखो भाई, सिल्वर कलर की भाई, क्या गजब नहीं लग रही। तो M24 की जो स्किन है ऑलमोस्ट सभी लोगों पे वो वाली है जो कुछ 200 मैच खेलने पे मिल रहे हैं TDM के, अरीना वरीना ये सब, तो ये हमें मिल जाएगी सीज़न 14 में टीयर पे। और इसके अलावा जो हमें मिल रहा है सीज़न 9 का एज का पैराशूट, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ तुम लोगों को कैसा लगा है ये पैराशूट। मेरे को तो पर्सनली काफ़ी सही लगा, यूनिक लगा, और जो थीम है अपनी फ्लेम करके, सीज़न 14 की फ्लेम होने वाले से कि सीज़न 13 जो है अपना वो टॉय बेस पे है, तो सीज़न 14 फ्लेम बेस पे होगा। तुमने ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा पबजी वालों का कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कैसा लगा तुम लोगों को। और ये है गोल्ड टीयर का जो आउटफिट है वो है, काफ़ी ठीक है ये भी, तो थोड़ा सिल्वर में ही लग रहा, हर चीज़ सिल्वर, मास्क कह रहा हूँ, हेड गियर सिल्वर, उसके गोगल सिल्वर, M24 सिल्वर, तो काफ़ी रोबोटिक्स टाइप का ये कलर है। और पता नहीं ये कलर के कॉन्सेप्ट लेकर आए पबजी डे बाय डे, हर सीज़न डे बाय डे नहीं, सीज़न बाय सीज़न बोला जाएगा तो जैसे टॉय का कॉन्सेप्ट लेकर आई, पावर रेंजर बना दिया भाई, फ्री फायर बना डाला, अब ये कुछ सिल्वर है पूरा, देखते हैं लेट्स सी और क्या क्या लेवल पे लीक्स है। और ये सीज़न 14 का फ्रेम है, तुम्हें दिख रहा होगा दोनों में वो लॉस ही बनी हुई है, ठीक है, आपकी फायर वाली और फ्लेम जिसे कहते हैं, और श्योर ये हमें सीज़न 14 के रॉयल पास में मिल जाएगा, ठीक है, नॉट फ्री वालों के लिए, ये होगा रॉयल पास जो परचेज करते हैं उनके लिए, फ्री वालों के लिए है या नहीं है ये भी मैं पक्का कह नहीं सकता। और सीज़न 14 की जो है कुछ आर्टिक रेट्स है वो तुम लोगों के सामने होंगी, ठीक है, और ये तो मेरे ख्याल से वही आउटफिट के ऊपर होगी जो सीज़न 14 में कोई एक यूनिक आउटफिट दे देंगे या कुछ, और बाकी जो क्रेट है ये होंगी, जैसे कि मान लो कि सीज़न 4 में कोई आउटफिट या कोई गन्स वगैरह आए थे उनकी एक क्रेट होगी, नॉट मतलब सीज़न 4 की नहीं, एक तुम्हें एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई सीज़न 6 की सीज़न 4 का कोई आउटफिट या कोई गन वगैरह या कोई स्किन वगैरह दे देंगे या कोई आउटफिट या किसी व्हीकल की स्किन, तो उनकी एक रेट्स होंगी, तुम्हें RP पॉइंट से परचेस करनी पड़ेगी, एंड देन तुम उसको खोलोगे तो हो सकता है तुम्हारा कुछ एक बढ़िया आउटफिट या बढ़िया आइटम निकल जाए। और भाई लोग ये है एक आउटफिट, काफ़ी तगड़ा लग रहा है, डेंजरस साइज के जो सबसे अच्छा मुझे लगा इसके जो हेयर स्टाइल है वो, ये हेड गियर भी हो सकता है नॉट श्योर, बट जो उसका हेयर स्टाइल है वो अच्छा, और मे बी ये जो हमें अवतार मिलता है ना, ये अवतार भी हो सकता है नॉट श्योर, बट जो भी है बहुत तगड़ा सा है यार। और ये कुछ लीक्स है जो कि हमें सीजन 14 में ही देखने को मिल जाएंगे, ये हो सकता है कुछ प्रीमियम ग्रेड, क्लासिक ग्रेड या फिर किसी स्पिन वगैरह में आए, तो नॉट श्योर, ये श्योर नहीं होता यार कि कौन सी चीज़ कहाँ आई है, पर फिर भी ये लीक है सीजन 14 में आएगा, ठीक है, और उनको समझ नहीं आ रहा है ये जो उसके बीच में डायमंड से बना, ये है क्या, तुम्हें आए तो कमेंट सेक्शन में बताना। इसके अलावा जो ये है ये भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाएगी, मेरे को लग रहा है ये किसी स्पिन में आएगी, क्योंकि लिखा है सरप्राइज टैब टू ओपन, एक हमें प्रीमियम प्रीमियम ग्रेड मिलती है, जिस तरीके से वो ये कुछ होने वाला है नॉट श्योर, बट जहाँ तक मुझे लगता है।
और भाई सबसे 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 तगड़ा लीक जो हमें सीजन 14 का देखने को मिल गया वो है न्यू करेक्टर। इसका नाम अभी है मेरे को मालूम नहीं है, कुछ लोग नाम बता रहे हैं तो वो मैं पक्का नहीं कर सकता, वही नाम मैं बता दूँ कि नाम कुछ और हो। तो ये बहुत तगड़ा जो कि होने वाला है हमारा न्यू करेक्टर, इसके आउटफिट देख लो तुम। और ये एक स्पेशल और एक इसका मिथिक आउटफिट जो है वो बीच में है, काफ़ी स्पेशल ये करेक्टर। और जो बाकी इसके आउटफिट है वो तुम्हें लेफ्ट और राइट में दिख ही रहे होंगे। तो सबसे बढ़िया मुझे भाई ये आउटफिट देखो यार, मिथिक आउटफिट देखो भाई, कतई जहर है। तो ये दूसरा पबजी का दूसरा फीमेल करेक्टर होने वाला है, ठीक है। अभी कार्लो आ रहा है, कार्लो के बाद एंडी आ रहा है, एंडी के बाद एंडी तो तुम्हें सीजन 13 में देखने को मिल जाएगा, उसका लीक ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। बट ये सीजन 14 में आएगा जो हमारा सेकंड फीमेल करेक्टर होगा पबजी का, और मम्मी स्टाइल में है तो काफ़ी तगड़ा भाई। ये तो मैं लॉक करूँगा ही करूँगा, चाहे यूसी से करूँ या जैसे मैं करूँ, तो बहुत तगड़ा ये करेक्टर होने वाला। तुम लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताना। तो आज के लास्ट वीडियो में दिखाता हूँ भाई तुम्हें सीजन 12 का 100 आरपी आउटफिट भाई, मतलब क्या ही तारीफ करूँ उस आउटफिट की। जो इसका ये पीछे का क्या बोलते हैं इसको, जो भी है लेयर्स निकली हुई है कपड़े की भाई, ये इतनी प्यारी लगेगी ना जब बंदा भागेगा या मूव करेगा। इसकी वजह से क्लियर को दिखाता हूँ, जो कि ब्लैक कलर बैकग्राउंड के साथ है, ब्लैक बैकग्राउंड के साथ है। तो ये काफ़ी अच्छा मेरे को लगा, सबसे अच्छा जो लीक लगा मेरे को सीजन 14 के उसमें वो M24 की स्किन, और दूसरी ये आउटफिट भाई, इस आउटफिट ने दिल जीत लिया। और हाँ वो कैसे बोल सकते हैं हमारे न्यू फीमेल करेक्टर। तो भाई सीजन 14 का रॉयल पास अब बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तुम लोगों को कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और बाकी जैसे भी मेरे को लीक्स मिलते हैं मैं तुम्हारे लेता आऊँगा। बाकी और वीडियोस तो आती रहती है क्रेट ओपनिंग वगैरह, और मैं सोचूँ थोड़ी टिप्स भी लेकर आऊँ, टिप्स एंड ट्रिक्स, तो कमेंट सेक्शन में बताना लाऊँ या ना लाऊँ। तो ये थी आज की वीडियो, बाकी मैं वीडियो लाता रहता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ यार, सपोर्ट दिखाओ, सपोर्ट आ नहीं रहा है आजकल पता नहीं क्यों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब मार के जाइए रे।